का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा। अगर जीता गया तो वापस जीता नहीं आऊंगा। ये शब्द आखे सी पिताजी नू जान लगे कि पिता जी मेरा नाम तुसी अजीत रखे है, मैनू कोई जित नहीं सकता। जे कोशिश होई जितन दी ते जिउंदा वापस नहीं आवांगा, रण दे विच शहादत दे जाम पी जावांगा, पर तुहाडे नाम नू कदे दाग नहीं लगन देंगा। सो गुरु कलगीधर दशमेश पिता महाराज जी चमकौर दी गढ़ी दे अंदर उन्हां बुरजां ते खड़के वेख रहे ने। ओ कच्ची हवेली जिहड़ी दो छत्ती सी, जिहड़ी जिमीदार ने दित्ती है कि ऐ पातशाह जीओ तुसी इहदे विच विराजमान हो, उहदियां बुरजां ते खलो के वेख रहे सी। पुरजा पुरजा कट के पुत्तर नूं शहीद हुंदिआं वेख के चढ़दी कला दे जयकारे लाए ने। कोई भी पिता उस वेले जयकारे नहीं ला सकदा जदों पुत्तर शहीद हो जावे, जो पुत्र की मौत हो जाए। लोग कहिंदे है पुत्रां वाले ओ जग दा पुत मेवा, हुंदे मापियां दी जिंद जान पुत्र, जिउंदे जी सहारा ने जिंदगी दा, ते मरगियां दे पिछों निशान पुत्र। पुत्र परां ते उड़दी फिरे दुनिया, मापे बुत ते विच प्राण पुत्र। इन्ने प्यारे हुंदे है पुत्र, ओ पुत्र शहीद हुंदा है ते दशमेश पिता जयकारे लांदे हन। उस बुरज तो हेठ उतरते ने गढ़ी तो, ते छोटा पुत्र जुझार सिंह पौने को 15 साल की उम्र है, वह तैयार है कि पिता जी मैनू भी वीर दे नाल तोर दिओ। ते तां दशमेश पिता जी ने यह नहीं सी आखिया कि वड्डा शहीद हो गया है, छोटे दो पुत्रां दा पता नहीं, वह विछड़ गए ने सरसा किनारे तो, ते तू कल्ला ही मेरे कोल है, मैं तैनू भी तोर दिया। नहीं, ये नहीं सी आखिया, सगों ये आखिया कि हाँ जुझार सिंह, अजीत तो बाद विच तेरी ही वारी है, तू ही बाद विच दुनिया च आया है ना। पहला अजीत आया फिर मेरा जुझार आया, पहला अजीत गया फिर मेरा जुझार जावेगा। छोटे दो पुत्र उस रंद दियां कंधां दे विच शहीद होए ने, आपां सारे इतिहास जानते हैं। हौली हौली हजूर ने गढ़ी विचों दे के थापड़ा, सिंह सरदार तोरे, वेला हो गया जथा जां जथे विचों एक एक करके जथेदार तोरे। अर्दल विच सी 5 कु सिंह रह गए, बाकी 94 सिपा सिलार तोरे, पै गई सिंघां नू सोच जां पातशाह ने वारी वारी अजीत जुझार तोरे। फिर कोल आ हजूर दे कहण लगे, कोल आ हजूर दे कहण लगे, दाता वक्त संभालना चाहीदा है, सूर वीर जीओ नीतिवान बनके औखी घड़ी नू टालना चाहीदा है। असी लड़ांगे मरदिया अंत तीकर, ऐ पर पातशाह तुसी तैयार हो जाओ, इथों निकल जाओ तारे दी लोए लोए, लो लगदिया जंगल तो पार हो जाओ। ऐ शहनशाह जीओ असी लड़ांगे, असी 5 हाले इत्थे, पर तुसी चले जाओ, तुहाडी जिंद बहुत कीमती है। ते अगों बाजां वालिया ने की आखिया, कहन लगे सिंघो तुसी अपने गुरु नू जानदे नहीं, मैनू कमजोर जान लिया, मैं रात दी ओट तका के पिठ विखा के नस जावा। नहीं सिंघो, सवेरे जो पहली सूरज की किरण निकलेगी, जंग का बिगल वजेगा, सब तो पहला मैदाने जंग दे अंदर मैं जावांगा, जिथे मेरे सिंघां दी रत डुली है उत्थे मैं भी जूझ जावांगा। सिंघां नू सोच पै गई, आख्या नहीं पातशाह, साढ़े जहे लखा पैदा करेंगा तू, साढ़े जहे लखा पैदा करेंगा तू, पासा असी कोई जगत का थमना नहीं, पर जे तू ना रहा दशमेश दूले, तेरे वर्गा मुड़ के फेर जमना नहीं, तेरे वर्गा गुरु नहीं मिलना। असी लड़ांगे पर तुसी चले जाओ। ते पातशाह कहन लगे नहीं, फिर कहन लगे जे इंज नहीं मनदे, हुण खालसा पंथ तुहानू हुक्म दिंदा है, आप ही आखिया सी 5 दा फैसला प्रवान होया करेगा, लो फिर 5 तुहानू हुक्म दे रहे हैं कि हुण गुरु गोबिंद सिंह तुसी इस गढ़ी दे विच एक मिनट भी नहीं ठहर सकते, इत्थों चले जाओ। बड़ा वड्डा जिगरा करके सिंघां ने यह शब्द आके फिर सुनिया गुरु ने गुरु का हुक्मनामा, अगो सीस झुका के उठ तुरिया, हथ जोड़ दिते, अखां भर आईया, अज हुक्म वजा के उठ तुरिया। गुरु कलगीधर महाराज उस चमकौर दी उस कच्ची हवेली दे विचों बाहर निकले, ताड़ी वजाई, आ जा रहा सिखां दा गुरु, वह फड़ सकदे हो ते फड़ लो। चारे पासे आवाज़ गूंजी है, आपस दे विच कटा वड्डी हो गईयां ने फौजां, ते दशमेश पिता जान लगे
उस गढ़ी वालू उस हवेली वालू उस धरती वालू प्यार की झात मार रहे ने कि आखिया तू सदा ही अमर रवेंगी तेरे विच मेरे सिंघां दी रत डुली है ऐ गड़िए 40 सिंह लेके आया सी ते लै हुण कल्ली जिंदड़ी लैके तेरे विचों तुर चलिया हाँ अपना रूप सरूप सब कुछ खालसे तो कुर्बान कर चलिया हाँ उन्हां लाइनां नूं लास्ट कविता दे अंदर मेरे साथी बीबी अनमोल प्रीत कौर बची अर्शदीप कौर सरंगी वादक कुलदीप सिंह चाहल इउं कह रहे हैं।